खबरों में बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में आयोजित किया गया उत्तराखंड दिवस समारोह में सीएम धामी शामिल हुए और इस मौके पर सीएम ने पहाड़ पर रोजगार व्यापार लगाने के लिए व्यापारियों को आमंत्रित किया। साथ ही पहाड़ पर रोजगार में सहयोग देने का भरोसा भी दिलाया और पहाड़ के प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करने की अपील की। उद्योग समूह के बंधुओं से हमेशा एक बात कहता हूं कि आपका उद्योग बढ़ाने में, व्यापार बढ़ाने में जो भी उत्तराखंड की सरकार कर सकती है उसको हम लोग हर संभव करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अब उद्योग के क्षेत्र में हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने और ब्रांड एम्बेसडर बनकर संपूर्ण भारतवर्ष में और संपूर्ण दुनिया में जो उत्तराखंड के अंदर काम हो रहे हैं, जो उत्तराखंड की सरकार जिन बातों को आगे बढ़ा रही है उनको कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आगे उसको बताने का काम, प्रचार करने का काम, लोगों को समझाने का काम आप सबके माध्यम से होना चाहिए। नैनीताल में समान नागरिक संहिता पर विशेषज्ञ समिति के सामने आमजन की तरफ से कानून लागू करने के पक्ष में बड़ी संख्या में सुझाव आने से उम्मीदें बढ़ गई हैं। शादी के लिए कम से कम 24 वर्ष होने और बुजुर्ग परिजनों को रिवर्स संपत्ति मिलने का पर जोर दिया गया और समान नागरिक संहिता को लेकर सुझाव लेने आए विशेषज्ञ कमेटी के चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई, प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर ने कानून बनाने के लिए विचार जाने। सुझाव पर विचार होगा और फिर ड्राफ्ट में अगर किया है जो भी किया है थोड़ा और बढ़ाएंगे और बहुत अच्छा एक ड्राफ्ट बनाएंगे। हमको उम्मीद है आप सब खुश रहेंगे हमारे ड्राफ्ट से। हाँ, एडॉप्शन और लिव इन रिलेशनशिप, LGBT, ये सब नए मुद्दे हैं और जो लोगों ने दिए हैं उस पर काफ़ी विचार होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप भी बढ़ रही है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सुझाव आया उस पर हम बहुत विचार करेंगे। हरिद्वार में आवारा कुत्ते लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं और आवारा कुत्तों के डर से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कुत्तों के खौफ के चलते तीर्थ नगरी हरिद्वार की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं नगर निगम के आयुक्त का कहना है कि वे केवल बीमार और पागल कुत्तों को ही उठाते हैं, सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नगर निगम के कार्रवाई नहीं करने पर हरिद्वार के अस्पतालों में आवारा कुत्तों के शिकार हुए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। करीब 8 महीने में 15,000 से ज्यादा लोग आवारा कुत्तों के हमले के शिकार हो चुके हैं। नियमावली उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे डॉग्स जो कि मेंटली थोड़ा सा पागल हो गए हों या फिर कोई किसी बीमारी से ग्रस्त हो उन्हीं को हम लोग उठा सकते हैं, जिसको उठा के हम लोग हमारे जो एबीसी सेंटर बना है उसमें हम कार्रवाई करते हैं। तो बाकी जो आवारा डॉग्स हैं तो उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अभी, और बस उनको इंस्टॉलेशन का एक प्रावधान है जिसके लिए अभी हम लोग फटाफट उसको हम वो व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर व्यवस्था बनाने की हम लोग कार्रवाई करते हैं। अस्पताल में सर हमारे यहाँ कुत्ते काटने के लिए सारी व्यवस्थाएं, सारी वैक्सीन उपलब्ध है और समय समय पर उपलब्ध करा दी जाती है और वैसे भी उपलब्ध है, ERS भी उपलब्ध है हमारे यहाँ। अगर किसी को कुत्ते ने ज्यादा काट लिया, गहरा काट लिया तो उसके लिए हमारे पास एंटी रेबीज सीरम भी उपलब्ध है और वैक्सीन तो हर समय उपलब्ध रहती है। हरिद्वार में नशे की बिक्री और सेवन पर अंकुश लगाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने नशा मुक्त हरिद्वार की पहल शुरू कर दी है। विभिन्न थानों में NDPDS एक्ट के से संबंधित अपराधियों का सत्यापन कराया गया और इस दौरान पुलिस महकमे द्वारा 136 लोगों का सत्यापन किया गया और 247 लोगों की काउंसलिंग की गई। जनपद में आगमन के बाद काफी सारे जो जनप्रतिनिधि हैं और जो लोग हैं उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नशे को लेकर काफी शिकायतें की जा रही थी कि नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है और यह देखा भी गया है कि जैसे हर जगह नशे की वृद्धि है, हरिद्वार जनपद में भी देहात होता है शहर हो इसमें नशे की जो वृद्धि हुई है और युवा भी इसमें काफी फंसे हैं, साथ ही साथ नशे के व्यापार करने वाले लोग भी चिन्हित हुए और उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसको देखते हुए और थाने पर एक रजिस्टर रखा गया जहां उन बच्चों या बालकों का या जो नए लोग हैं जो नशे की प्रवृत्ति में आ रहे हैं उनका एक अलग से रजिस्टर बनाकर जिससे उनकी काउंसलिंग की भी जा सके और उनके पेरेंट्स गार्जियन को भी इन्फॉर्म करके उसमें उनकी सहायता लेकर अन्य लोगों की सहायता से उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए जिससे वो आगे नशे की आदतों में ना पड़े।
साथ ही साथ वैसे लोग जो नशे के व्यापार करते हैं, तस्करी में लिप्त रहे हैं, जिन पर पुराने मुकदमे हैं, उनका एक अलग से रजिस्टर एनडीपीएस का बने बाहर थाने पर बनाने को बताया गया, जिसमें सारी डिटेल हो, जिसमें समय समय पर पुलिस उनकी गतिविधियों को चेक कर सके। और पहाड़ समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहे।